हेलो एवरीवन, हमारे इस वीडियो में हम बिजनेस के टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। बिजनेस पर ही हमारी सारी बुक है और यहाँ से हमारा बिजनेस का टॉपिक एक्चुअली स्टार्ट होने जा रहा है। इस बिजनेस में हम यहाँ पे इस वीडियो में करेंगे जो बिजनेस का मॉडर्न मीनिंग है, मतलब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट एंड व्हाट वाज इट्स ट्रेडिशनल मीनिंग। ये दोनों मीनिंग हम इसमें वीडियो में कवर करेंगे। इससे जो हमारी प्रीवियस वीडियोस थी, हमने उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और प्रोफेशन वर्सेस एम्प्लॉयमेंट वर्सेस बिजनेस को लिया था। आई होप आपने वो वीडियोस देख ली होंगी। आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अगर बाय चांस आपने उन्हें नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दिया जाएगा। तो अपने आज के वीडियो में जो कि हमने बिजनेस के मीनिंग के ऊपर किया है, मॉडर्न मीनिंग एज वेल एज द ट्रेडिशनल मीनिंग, उसको करने के लिए चलिए चलते हैं अब व्हाइट बोर्ड की तरफ। हेलो एवरीवन, आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। यहाँ से ये मेन टॉपिक हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। अभी तक हमने इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की थी, बट अब जो पूरी बुक है हमारी दैट इज रिलेटेड विद द बिजनेस इटसेल्फ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस वीडियो वी विल डू द मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड आफ्टरवर्ड्स इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस? बिजनेस का मीनिंग हम पहले कर चुके हैं इन द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वहां हमने तीनों का मीनिंग किया था, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सो द सेम मीनिंग इज गिवन हियर। व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन, सेल, परचेज of goods and services, means only goods are not included in business, but it also includes production, sale and purchase of services also, right? And the main thing is that this everything will be done for earning profits, right? Only then it will be known as the economic activity, because in business we are not doing the business for the social service, it is done for earning the profits. So business will include all those activities which are related with production, sale, purchase of goods and services. तो हम सेल परचेज को एक और चीज भी कह देते हैं उसके बाद। इफ द सेल एंड परचेज आर हैपनिंग एट द सेम मोमेंट दैट इज नोन एज द ट्रेड। सो ऑल दीज एक्टिविटीज विल बी इंक्लूडेड इन बिजनेस फॉर अर्निंग द प्रॉफिट्स, दैट इज नोन एज अ बिजनेस। अब जो हमारी एक मेन बात है इसमें, व्हाट इज, अगर हम कहें डिटेल में बिजनेस का मीनिंग क्या है इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस, देन फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएटिंग द कस्टमर्स फॉर इटसेल्फ। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स मीन्स दे विल come to us, the businessman will come to us, they will communicate with us and they will make us realize that we are in the need of a particular good, right? Means they will make us realize for the need of a particular good. For example, आपके पास यूरेका फोर्ब्स वाले आए कि वैक्यूम क्लीनर है या नहीं है, दे विल टेल अस। वैक्यूम क्लीनर के बारे में वो आपको इतनी चीजें बता देंगे कि उन्हें आपको लगने लगेगा कि अब तक हम इसके बिना थे कैसे। एग्जाम्पल, उन्होंने आते ही पूछा आपसे कि आपके पास कार है वैक्यूम क्लीनर सेल करने के लिए। हमने कहा कार नहीं है। ओके ओके, अगर कार है तो कार की सारी डस्ट हम इससे निकाल सकते हैं, इट विल बी यूजफुल फॉर अस। अगर हम कहें कार नहीं है, ओके मैम आपके पास सोफा होगा, इससे सोफे की हम अच्छे से निकाल सकते हैं। हम कहेंगे भैया सोफा भी नहीं है, हमारे पास चेयर्स है। वो तो वैक्यूम क्लीनर से आप घर की सफाई दीवारों की अच्छे से कर सकते हो, वो आपके जो आपकी दीवारों को साफ करते करते आपके स्पाइडर्स वगैरह भी ले लेगा और इस तरह से आपके जो वॉल्स हैं वो सिर्फ एक वीक के लिए नहीं बल्कि 1 month और 2 months के लिए बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। वट आर दे टेलिंग अस? दे आर टेलिंग अस दैट वी आर इन द नीड ऑफ अ पर्टिकुलर गुड। दे विल मेक अस रियलाइज दैट इट इज अ वेरी असेंशियल गुड फॉर अस। सो वट दे आर गोइंग टू डू दैट दे आर क्रिएटिंग द कस्टमर्स, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बिजनेस। दे विल मेक देयर कस्टमर्स। नाउ द सेकेंड थिंग इज चेंजिंग द
इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। यहां से ही बिजनेस का ही मेन जो दूसरा शुरू हो जाता है, दे आर हैविंग मनी। इकोनॉमिक रिसोर्सेज का मतलब होता है मनी। मनी से वो क्या करेंगे, दे विल चेंज द मनी इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। बाय द हेल्प ऑफ द मनी दे विल मेक द गुड्स एंड सर्विसेज। कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज, इन विच अ पर्टिकुलर पर्सन इज इन नीड, द गुड्स दैट आर डिमांडेड बाय द कस्टमर्स। सो दे विल प्रोड्यूस दोज गुड्स और सर्विसेज जिसकी एक कस्टमर्स की नीड है। सो दे आर चेंजिंग देयर इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। अब उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे अभी आप एक इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं दैट हाउ दे आर चेंजिंग द इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज बाय मेकिंग द कस्टमर्स रियलाइजिंग दैट दे आर इन नीड ऑफ द कस्टमर्स। फॉर एग्जाम्पल आप उबर वालों को ले लीजिए, ओला को ले लीजिए, जो पहले ये मार्केट में परसिस्ट नहीं करते थे, बट देयर वाज अ नीड ऑफ द कैब, दे रियलाइज द नीड एंड देन दे चेंज द इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज, दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज इटसेल्फ, राइट। सो नाउ आई एम द नेक्स्ट थिंग इज वंस दे कन्वर्टेड देयर रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज द प्रोसेस विल नॉट एंड हियर। रेगुलरली दीज बिजनेसमैन they will make their research so that the new product should come into the market. They are not stopping themselves after the second step, but the regular innovations or new researches are going on. Example आप ले लीजिए mosquito repellent का। सबसे पहले जब वो market में आए थे, the customers were in need of the mosquito repellents. उससे पहले हम simple net को use करते थे, right? Net के बाद हमारे market में क्या आ गई, एक coil आई। अपने पेरेंट्स से पूछेगा कि ये कॉइल क्या थी, इसमें हमें बिजली की इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती थी, इट वाज सिंपल ए कॉइल, जस्ट लाइट इट अप एंड इट विल गो थ्रू द नाइट इटसेल्फ। अब कॉइल की स्मेल थी, स्मोक था, तो उसके बाद न्यू इनोवेशंस चलती रही, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, वो जो लिक्विड होता है वो आ गया, ठीक है। वो लिक्विड हमने अपना इंसर्ट किया और उसके बाद इट विल गो फॉर द 30 डेज और 28 डेज जो भी उसका टाइम वो क्लेम करते हैं। अब इस लिक्विड के बाद हमें ये रियलाइज होने लगा दैट इट इज हार्मफुल। जब हमें ये हार्मफुल हुआ तो उसके बाद एक आ गया, उन्होंने लॉन्च कर दिया नेचर गार्ड। तो वो क्या चीजें हैं, इट इज द रेगुलर इन्वेंशंस दैट आर गोइंग ऑन इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। व्हाई, बिकॉज द नीड्स आर ऑलवेज चेंजिंग, यू कांट स्टॉप आफ्टर चेंजिंग द इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज दैट नाउ द नीड्स आर फुलफिल्ड ओनली बाय द कॉइल इटसेल्फ, सो नो नीड ऑफ द रिसर्च, नो नीड ऑफ द न्यू गुड्स, बट द रिसर्च विल गो ऑन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड द न्यू इनोवेशंस विल बी ऑलवेज देयर। एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज दैट व्हाटएवर इज इन्वेंटेड that will be marketed, means there will be no benefit of the innovations if they are not reaching in the market. It has to reach to the market so that it can come ultimately to the customers, right? So this will be the point of the business that yahan pe hame customers tak ye sare products pahuncha dene, right? तो हमारे जो बिजनेस का कॉन्सेप्ट है वो चार पॉइंट्स में है, मींस द कस्टमर्स विल बी क्रिएटेड हाउ, बाय मेकिंग देम रियलाइज दैट दीज आर द नीड्स ऑफ अ कस्टमर। और जब उनको उनकी नीड को हमने रियलाइज करवा दिया देन द ऑर्गेनाइजेशन देन द कंपनीज आर गोइंग टू चेंज देयर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, दे आर हैविंग मनी। मनी से तो सिर्फ बात नहीं बनेगी, दे विल चेंज देयर मनी इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। वो अरेंज करेंगे रॉ मटेरियल, अदर रिसोर्सेज को वो अरेंज करेंगे और गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे। एक बार अब उन्होंने ये चीजें प्रोड्यूस कर ली, दे विल नॉट स्टॉप हियर, न्यू इन्वेंशंस विल बी देयर एंड आफ्टर द न्यू इन्वेंशंस दीज प्रोडक्ट्स विल बी मार्केटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट, सो दैट द कस्टमर्स कैन बी केप्ट सेटिस्फाइड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो व्हाट वी हैव डन टिल नाउ, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी डन इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट। अभी हमने सिंपल ये किया, जो हमने फर्स्ट मीनिंग किया है ये एक आप कह लीजिए एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है, एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है जिसको हम बिजनेस का मानते हैं, ठीक है। ये ट्रेडिशनल है आपका, दैट दिस इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस, ट्रेडिशनल मीनिंग। अगर हम बात करें न्यू कॉन्सेप्ट की तो वो हमारा हो जाता है दीज फोर थिंग्स, राइट।
सो दिस इज डन टिल नाउ. अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपने इन करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर. आई होप आपको इस वीडियो का कंटेंट क्लियर हो गया होगा. अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम फीचर्स ऑफ बिजनेस को कवर करेंगे.